ला ये लो मम्मी। हाँ पिकनिक मना कर तब फुल टायर्ड हो गया। तुम लोग रेस्ट करो, मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लाती। ओके टीपू भैया मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। हाँ जाओ। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ अजीब लग रहा है। अरे रिलैक्स भैया, आपको हम घर पहुंच गए ना, तो अब आपको क्यों अजीब लग रहा है? बस चिल कीजिए, मैं एसी ऑन करता हूँ। चिल। हमारा बनाना शेक बना दे क्या? मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? मेहमान ने कहा था ये हमारा हथियार है। शांत 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 शांत। आपका ये बंदर भाई हम परी अटैक कर रहे हैं। सदियों से पत्थर की मूर्ति बना हुआ है, गुस्सा फूट रहा होगा। पर अब नहीं मेरे मित्र, अब नहीं। और हाँ तुम दोनों ध्यान रखना, ये केवल मेरे ही वश में आएगा। बहुत जल्द हमारा ये साथी बालवीरों की मौत का कारण बनेगा। अरे अरे विवान विवान आराम से बैठो बैठ जाओ सो जाओ। गुड नाइट भैया। अरे तुमने तो कहा था भय मार की तुम्हारे फ्रेंड को फ्री करने के लिए हमें विवान के साथ साथ चार बच्चों की जान चाहिए। हाँ और वो लोग यहाँ से सही सलामत हंसते खेलते वापस भी चले गए। लगता है तुम दोनों ने ध्यान नहीं दिया, विवान और उसके साथ ही अपने साथ यहाँ से कुछ लेकर गए। क्या लेकर गए थे? फायरफ्लाइज। कल सुबह तक वो सारे जुगनू एक एक करके मर जाएंगे और सुबह जैसे ही विवान और उसके साथी जब सो के जागेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि अपने साथ क्या तबाही लेकर गए हैं। गुड नाइट जुगनू। What?
ये अचानक मुझे मैनिक्योर की जरूरत कैसे पड़ गई? रावण के सिर की तरह वापस कैसे उग गए? ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये किस चीज का रिएक्शन है? इसमें तो नाजक का भी कोई असर नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है मुझे? ओ, बिन बुलाए मेहमान। अरे आपने तो कहा था कि विवान और उसके दोस्त गोरिल्ला बनकर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गोरिल्ला क्या, एक मच्छर भी नहीं आया उड़कर भारत नगर से। चुप बेवकूफ, अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। खुद बंदर के मित्र है और मुझे मूर्ख बुला रहे। वाह, क्या बोला? कुछ नहीं। कुछ नहीं। सुनो तौबा तौबा, सबसे पहले उन बच्चों के शरीर में परिवर्तन आएगा, उसके बाद उनके अंदर से इंसानी संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी, उनका व्यवहार जंगली जानवर जैसा हो जाएगा, और अंत में उनके अंदर एक भयानक वन मानुष का गुस्सा भर जाएगा। वन क्विक क्वेश्चन भैमान, अगर विवान और उसके फ्रेंड्स गोरिल्ला जितने पावरफुल हो जाएंगे तो फिर हम उन्हें कैसे रोकेंगे? अरे हाँ, नहीं वो हम पर ही अटैक करेंगे। तो विवान, विवान जल्दी आओ बेटा, सब नाश्ता ठंडा हो गया, हमने नाश्ता कर भी लिया, कहाँ है तू? जल्दी आना, कहाँ रह गए? मन, ये उछल कूद के क्यों आ रहा है? वो भैया, नाश्ते में छोले भटूरे देखकर मेरा मन भी हिचकोले मार रहा है, इसलिए। अब खाना, वेट क्या कर रहा है? हाँ, खा। ग्लव्स क्यों पहने? अब वो जाम से बचने के लिए। विवान, तू ब्रेकफास्ट करने बैठा या फिर ऑपरेशन करने? अगर तुझे जाम से बचना है तो जाके 20 सेकंड्स तक हैंड वॉश कर। अरे नहीं करूंगा हैंड वॉश। विवान, ये क्या तमाशा लगा रखा है? नीचे उतर विवान, नीचे उतर, नीचे उतर। माँ खुशी, आप दोनों को नाश्ते के बाद शॉपिंग करने जाना था ना, वो न्यूयॉर्क की शॉपिंग है ना? हाँ।
हाँ भैया। हाँ तो जाओ जाओ, वो वरना भीड़ बढ़ जाएगी, सामान खत्म हो जाएगा, जाइए वहाँ। अरे लेकिन इसे तो देखो क्या तमाशे कर रहा है ये। माँ अब आपको पता है ना ये कितनी शरारत करता है, मैं हूँ ना, मैं इसे नाश्ता करा दूंगा। बैठ जा, तमीज से नाश्ता करना बैठ के, ठीक है? खुशी अब चल हाथ धो, हम चलते हैं। ठीक है मम्मी। करा लेना से नाश्ता। हाँ हाँ माँ। विवान ये सब क्या है? भैया आप खुद ही मेरे ग्लव्स निकाल कर देख लीजिए। भैया पता नहीं कैसे किसी बैर की तरह मेरे नाखून और बाल हाथ पे अपने आप आ गए। भगवान ये हटाने के लिए तुमने अपनी जादू शक्तियों का इस्तेमाल किया? हाँ किया। कंट्रोल भगवान कंट्रोल। सॉरी भैया मैंने मैजिक ट्राई तो किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और अपने आप अचानक मेरे दिमाग में गुस्से का भूकंप भी आ रहा है। मेरी जी, हो सकता है बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई हो। भगवान तुम यहीं पर घर में रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है, घर से बाहर मत जाना। कंट्रोल विवान कंट्रोल। पता नहीं कि कल पिकनिक में मेरे बच्चों को क्या खिला दिया, जब से आए हैं अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अरे करुणा जी मुझे याद आया, कल ये लोग क्या कर रहे थे? हाँ वो कीटो डाइटिंग कर रहे थे ना, तो वो कीटो डाइटिंग पेट में गया इसलिए पेट में कीटाणु घुस गए होंगे, है ना? कहना क्या चाहती हैं आप? हाँ जो सच है वही तो बोल रही हूँ। आपको पता ऑस्ट्रेलिया से कीटो डाइटिंग का खाना मंगाया था हमने, कोई ऐसे नहीं है। कामिनी आंटी रिलैक्स, हो सकता है बच्चों ने पिकनिक से आकर कुछ। ये केले का छिलका किसने फेंका? चलो मेरे साथ। विवान ने मुझे बताया था कि यहाँ पर वन मानुष की कोई मूर्ति है। यहाँ मुझे वन मानुष की मूर्ति दिखाने लाए हो? नहीं लेकिन जब हम यहाँ पर पिकनिक करने आए थे तब विवान और उसके साथी बच्चे इस खंडर के अंदर उस मूर्ति को देखने आए थे, और उसी के बाद हमारे साथ सब अजीब अजीब चीजें घटने लगी।
जैसे अचानक मौसम बदल गया, हमें बीच में ही पिकनिक छोड़कर जाना पड़ा और उसके बाद सभी बच्चे और इसीलिए वो गोरिल्ला जैसे बिहेव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो सिर्फ वन मानुष जैसा बर्ताव नहीं कर रहे बल्कि धीरे धीरे वो वन मानुष बन रहा है। What? हाँ, हमें तुरंत जाकर शौर्य से मिलना होगा। अब बालवीर मैं आता हुआ शौर्य के पास पहुंचेगा और समस्या का हल पूछेगा। But there's a good chance, भैमा, कि शौर्य उसे सॉल्यूशन बता दे। यही तो हम चाहते हैं रे। वाकई? हम यही चाहते हैं? तुम्हारा अनुमान सही निकला बालवीर। विवान और उसके साथियों में शारीरिक परिवर्तन की शुरुआत उसी गुफा से हुई है। और बालवीर, तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे का समय है क्योंकि उसके बाद विवान और उसके सारे दोस्त हमेशा के लिए पूरी तरह से वनमानुष बन जाएंगे। और एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो इसे पलटा नहीं जा सकेगा। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए शौर्य? मुझे पता है अब बालवीर क्या करने वाला है। तो अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए मेरे जादू का तोड़ ढूंढेगा। इस जादू का इलाज ढूंढने के लिए तुम्हें धरती के गर्भ में फल वाटिका में जाना पड़ेगा बालवीर। तुम लोगों को पता है वानों की दुनिया कहाँ है? इस अनुपम लोक में, इस फल वाटिका में तुम्हें एक लाल रंग का कदली का पेड़ दिखेगा। कदली का पेड़? हाँ, लाल केलों का वृक्ष। इस पेड़ के फल से विवान और उसके मित्रों का शरीर वन मानुष बनने से बच जाएगा। ये इतने लंबे बाल, ये इतने लंबे लंबे नाखून, ये फूड पॉइजनिंग का केस तो नहीं लगता। बट स्टिल लेट मी चेक। बेटा विवान, ब्रीद डीप, लंबी सांसें लो। बच्चों, शैतानी मत करो। बच्चों, शैतानी मत करो। What is going on? लंबी सांसें। Don't make fun. Silence. Breathe deep. Compounder, torch lock. Don't make fun. तुम लोग शांत रहो। I need to concentrate. What is going on? बच्चों को देखिए। विवान, बेटा आ करो आ। आ। इतना नहीं, जैसे गोलगप्पे के लिए खोलते हैं आ, ऐसे आ। मेरा मोबाइल फोन। बस बस, ऐसा नहीं कर रहे तुम लोग। अब अगर किसी ने जरा से भी बदमाशी की तो सबको इंजेक्शन लगा दूंगा। कंपाउंडर, इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। बस अरे क्यों ना हम इन बनानास को डिस्ट्रॉय करते या फिर गोरिल्ला को खिलाते। एक ही बार में खेल का था। नहीं नहीं, गोरिल्ला बनते हुए बच्चों के लिए फल अमृत है, लेकिन जो पहले से गोरिल्ला बन चुका है अगर उसने ये फल खा लिया तो कुछ ही देर में खेल खत्म। और अभी मुझे इस गोरिल्ला की
मेरे मित्र की जरूरत है। और देखना, बालवीर इस कदली फल को लेने यहां जरूर आएगा। लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। नाइस आइडिया। क्या नाइस? अरे कैसा खुशकी प्लान है? अरे बालवीर के लिए आसमान से तारे तोड़ना भी आसान है, और तुम होके उसको केला तोड़ने का काम दे रहे हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शट योर माउथ। फ्रूट्स तोड़ना आसान है, लेकिन इस वर्ल्ड में पहुंचने से पहले बालवीर को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फल वाटिका में तुम्हारा जादू भी ठीक से काम नहीं करेगा। और मान लो कि अगर बालवीर बचते बचाते यहाँ तक पहुंच भी गया, तो ये वन मानुष उसे कदली वृक्ष के आसपास भटकने भी नहीं देगा। बड़े बालवीर को गोरिला मारेगा और छोटा बालवीर खुद ही गोरिला बनकर मर जाएगा। वाह! Come on, बालवीर, what are you waiting for? शौर्य, विवान और उसके दोस्तों की रक्षा करने के लिए हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बसनों की दुनिया में जाने से पहले मैं विवान से कुछ बात करना चाहता हूँ।